कितने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में, सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में, रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में, सुख इतने पाए है प्यारे प्रभु के प्यार में। शांति। अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन कर परिवर्तन करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली मास्टर भूतनाथों को गॉडली मॉर्निंग। इस कलयुगी संसार के घनेरे दुखों से दुखी पीड़ित होकर हम ढूंढ रहे थे भगवान को, और अचानक ही हमें मिल गए सुखों के सागर परमपिता परमात्मा शिव। और जो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था वो सब हमने पा लिया और सुख सागर की लहरों में लहराने लगे। कभी सोचा है यदि बाबा रिजर्व कोटे में नहीं होते तो हमें कौन बचाता? रिजर्व माना पुनर्जन्म से परे, 84 के चक्र से बाहर। और इसी कारण से ही हम पवित्रता सुख शांति की अनुभूति कर पाते हैं कि हमारा बेहद का बाप निराकारी है, देहधारी नहीं। उन्होंने ही आकर हमें जीवन जीने की कला सिखाई और सुखों की अनुभूति कराई। बाबा हमारे देवताई अलंकारों के बारे में आज बात करते हैं, जो कि हमें अभी यूज करना है, दैवी गुणों की धारणा अभी करनी है। परफेक्ट बाप के परफेक्ट 16 कला संपूर्ण बच्चे बनने के लिए सुनते हैं 16 अक्टूबर 2024 की परफेक्ट परमात्म वाणी। मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने, बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। आचल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो इसी चाहत में हम आए हैं मात पिता के सम्मुख अपार सुख पाने के लिए। बाबा ही हमें इस दुख की दुनिया से निकाल कर ले जाते हैं सुख की दुनिया में। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। यदि सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाएं, गर्भ से जन्म लें और इस 84 के फेरे में पड़ जाएं, तो बचाने वाला फिर कौन होगा? इसलिए बाबा रिजर्व में रहते हैं। बाबा का जन्म कैसा? अलौकिक जन्म, दिव्य अवतरण है, पूरे कल्प में एक बार। तो बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते, गर्भ से जन्म नहीं लेते, बाबा विदेही है, देह का आधार लेते हैं हमें ये सब बातें समझाने के लिए। हमें काले से गोरा बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। प्रश्न है दूसरा,
देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। जो पवित्र होगा वही सुखी हो सकता है। पवित्रता इक्वल्स सुख शांति। तो देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि सदा पवित्र हैं। जब तक पवित्र हैं सुखी हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं और फिर देखो दुख चालू हो जाते हैं। फिर देवता देवता नहीं कहलाते। मनुष्य मन के वश में हो जाते हैं और फिर आसुरी चलन हो जाती है द्वापर कलयुग में। तो दुख चालू हो जाता है, अशांति चालू हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। पुकारते तो हैं लेकिन क्या कृपा की, फिर कौन सा सुख मिला, कब मिला, ये कुछ भी नहीं पता। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। माना सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं, घनेरे सुख। अभी तुम यहां सामने बैठे हो, जानते हो यहां कितने दुख घनेरे हैं। अभी दुख ही दुख है, अभी सुख का नामो निशान नहीं। यह दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो हम उस परमपिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। बाबा को जानने के कारण और सृष्टि चक्र को समझने के कारण ही हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और हम सुख का अनुभव कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम पहले घनेरे सुख में थे फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। याद रहता है बाबा और बाबा का ज्ञान तो खिले हुए रहते हैं, और भूल गए तो मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। टच मी नॉट, किसी ने कुछ बोला तो बस छुई मुई फीलिंग देवी। बाबा कहते हैं ना फीलिंग का फ्लू। तो माया वार कर लेती है, वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा वह साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नर्क में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। हाँ, नंबर वन टू जो आत्मा आएगी तो वो तो एकदम सुख घनेरे पाती है, क्योंकि धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, कलाएं भी कम होने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात और पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। मन के वश में रहने वाला मनुष्य, जो मन के वश में है वो कैसे सुखी हो सकता है।
सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, शांति चाहते हैं। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। और पवित्रता के कारण ही तो इतनी अशांति है, दुख है। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है, पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए, अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महान शत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। हाँ, काम विकार पर जीत पाओ, कामनाओं पर जीत पाओ, सुखी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तभी पवित्र बनेंगे। और जब तुम पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है, आ गई सबकी याददाश्त। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। कहानियों में, कथाओं में सुनते आए ना, कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें विघ्न तो जरूर पड़ते हैं। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं, इतिहास तो यज्ञ का सभी ने पढ़ा है, कितना हंगामा हुआ। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय भी गायी हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उनको देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, आत्मा अपने सातों गुणों में 100%। कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है, कोई भी कमी नहीं, हर चीज परफेक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। हमारा इफेक्ट पड़ता है दुनिया पर, हम जैसे होंगे वैसी दुनिया होगी, हम परफेक्ट तो दुनिया भी परफेक्ट। और परफेक्ट कौन बनाएंगे, परफेक्ट बाप ही बनाएंगे। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होगा। बाबा ऐसा ब्यूटी पार्लर संगम युग पर खोलते हैं अभी आके कि 2500 साल तक वहाँ ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी। सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। जब राधा गोरी तो फिर उस समय कृष्ण भी गोरा, जब राधा काली तो कृष्ण भी काला, लेकिन पता नहीं है। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है, अभी हमें स्व का दर्शन करना है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का पूरे कल्प में दर्शन करना है, तो स्वदर्शन चक्र अभी हम फिर आते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, वह क्या करेंगे शंख आदि। हाँ, अभी हमें ज्ञान का शंख बजाना है, सबको ये बात बतानी है, सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, मैं नीच खल पापी कामी पाप हरो देवा। पाप करते जा रहे हैं और
देवताओं को कह रहे हैं आप हमारे पावर हो, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, बाबा के आगे तो नहीं कहेंगे ना, वो तो गुणों का सागर है। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने? मूर्तियों के आगे जाके झुकना आसान है, लेकिन उन जैसा बनना, इसमें मेहनत है। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी पांच तत्व तमो प्रधान हैं, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। आए दिन समाचार सुन रहे हैं ना काली मृत्यु के, और जैसा मटेरियल फिर वैसी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वैसा प्रोडक्शन होता है। तो बाबा कहते हैं देखो मनुष्य कैसे मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं, यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं, यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, ये सब तो है जो है। हम ये जो पांच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, ये देखें ये कितने उपद्रव कर रहे हैं। कोई कुछ आकर बोलता है, देखो कैसे मन में तूफान उठते हैं, कैसे भूकंप आ जाता है। जल तत्व कैसे गंगा जमुना बहने लगती है। तो ये है ना पांच तत्व अंदर जो उपद्रव करते हैं, हलचल मचाते हैं। अहंकार देखो आकाश से भी ऊंचा। फिर क्रोध कितना आता है, अग्नि समान क्रोध। तो बाबा कहते हैं जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं, यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नोंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं हैं, और ये भी कोई भगवान नहीं कराते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, नेचुरल नेचुरल कैलमिटीज कहा जाता है, गॉडली कैलमिटीज नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है। इतना भार हो गया है और फिर देखो पृथ्वी से हल्काई होती है, भार खत्म होता है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं, मन भारी हो देखो जीना कैसे दूभर हो जाता है, और लाइट हो, हल्के हो तो जीवन जीने में कितना मजा आता है, नहीं तो वही जीवन जैसे कि सजा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। अभी सबका मन हल्का है, माथा हल्का है, शरीर हल्का है, ये तो बहुत ध्यान रखते हैं, और मन की कितनी केयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब धर्म वालों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके।
सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है ऊंच ते ऊंच। ऐसा अलौकिक जन्म और ऐसा अलौकिक कर्तव्य भगवान के सिवा और किसी का नहीं है। एकदम स्पेशल पार्ट है। तो बाबा है सबसे ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करण करावनहार है ना, तुम नॉलेज सुनाते हो। बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बगैर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, कोई भी साधु संत सबको महात्मा जी कहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे, अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। बाबा कहते हैं जितना संपूर्ण बनेंगे उतना समय सुख पाएंगे, बहुत समय सुख पाएंगे, क्योंकि जो पूरे संपूर्ण बनेंगे वो शुरू से आएंगे। तो बाबा कहते हैं जो अपूर्ण है वो इतना सुख तो पा नहीं सकते ना। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, कोई 100% और फिर कोई नंबर वार सब उससे नीचे नीचे आते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम कोई की बहुत जास्ती। देवता तो सभी हैं लेकिन कोई 100% कोई 95 कोई 90। डॉक्टर कहलाने को डॉक्टर है लेकिन किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा किसी की कम। तो वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। कोई महाराजा महारानी कोई राजा रानी कोई प्रजा साहूकार नौकर चाकर चोकर दास दासी चंडाल, तो फर्क तो है ना। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना, सो भी आत्मा सांवरी बनती है। भिन्न नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं, पहले देवता थे फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पार्ट ही ऐसा है, बाबा का पार्ट ही ऐसा है, हाँ रिजर्व में रहते हैं और फिर देखो जब पुकारते हैं हम सब तब बाबा आते हैं। बाबा ये भी बताते हैं तुमने कितना समय पुकारा है, वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। जैसे जैसे दुख बढ़ने लगे और फिर हमने भगवान को बाबा को पुकारना शुरू किया। तो तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं, यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला है विदेही, यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे, सभी रूहों का वह बाप है।
भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरु, सबसे पहले माला में फूल और फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा कहते हैं वह तो एक जैसे ही हैं, बाप समान बन गई ना वो आत्माएं, तो फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं, देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? किसकी है माला? देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। लेकिन अभी बच्चे क्या है, आते जाते रहते हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए देवताओं को अलंकार दिखा दिया है, संपूर्ण स्वरूप हमारा। तो बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं ना कि अभी ये जो तुम्हारा कुल है ये देवताओं से भी ऊंचा है, ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा, क्योंकि मेहनत अभी कर रहे हैं ना, अभी बाबा के साथ हैं। देवता तो हमारी क्या है, प्रारब्ध है ना, वो पद हमारा प्रारब्ध है, मेहनत अभी हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं बलिहारी पढ़ाने वाले की, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तो अब माला का दाना बनना है या माला फेरना है? तुम गुलगुल बनते हो ना, बाबा कह रहे हैं तुम गुलगुल बनते हो ना, फूल बनते हो, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो, देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। कई बार बाबा कहते हैं ना देवताएं तो क्या है, रॉयल बुद्धू हैं। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, कल भी था ना पद्मा पदम भाग्यशाली स्वदर्शन चक्रधारी, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई या बाबा नहीं पढ़ाते हैं, या तो मनुष्य है ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ रहे हैं, या तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं, कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, आयुष्मान भव पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती हैं। बाबा का आना पढ़ाना यह सबसे बड़ा आशीर्वाद, कृपा रहम। अब पढ़ो तो खुद पर रहम करो, औरों को पढ़ाओ औरों पर रहम करो, और पढ़ेंगे तो सब प्राप्तियां हो जाएंगी, जो चाहेंगे सब मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है, अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
बाबा समझाते हैं, सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। कई कहते हैं हमें सेवा नहीं मिलती, तो बाबा कहते हैं इससे अवस्था हलचल में नहीं आनी चाहिए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वाचा सेवा ही करें, धारणा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं, उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। सेवा के बहुत से तरीके हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और धारणा स्वरूप है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखते ही लोग पूछेंगे ना कौन मिला है, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जाते हैं। तो हाँ, धारणा स्वरूप तो सबसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी हमें बनना है। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो दाता विधाता और वरदाता, बाबा ही सब कुछ देने वाला है। अपने भाग्य की कलम बाबा ने हमें हमारे हाथ में दे दी है। विधान सिखाने वाला है विधाता हमें, और वरदान तो बाबा से हमें रोज ही मिलता है। बाबा का एक एक शब्द क्या है, वरदान है। तो अपनी सच्चाई से सफाई से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लिए, और जिस पर भगवान राजी है तो उसकी तो फिर क्या है, मौज ही मौज है, रूहानी मौज। तो ये थी आज की मुरली। आज के पांच शब्द याद रखने के लिए हैं, पहला रिजर्व, दूसरा छुई मुई, तीसरा परफेक्ट, चौथा प्रत्यक्ष फल खुशी, और पांचवा रूहानी मौज। रिजर्व, छुई मुई, परफेक्ट, प्रत्यक्ष फल खुशी और रूहानी मौज। ओम शांति। जूस्त जू नास है।
खुद थे अब तो।